हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी ज्यादा साधन का लोग साथ में ज्यादा इसमें। दोस्तों हम लोग कैसे आए हो, अच्छे होंगे। और मेरा लेटेस्ट पिछला दिन कैसे हम देख रहे हैं आज दोस्तों, एक्सरसाइज आई बचा हुआ है, मतलब मीन्स आपका इक्वेशन चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में क्या पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे वो वीडियो का लास्ट में बताने वाले हैं। बट ये आप लोग से मतलब मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो ऐसा चैप्टर है कि जो आपको मार्क बढ़ाने में बहुत ज़्यादा क्या है उसके हाथ है। उसी की वजह से बच्चे पास भी होता है और वो ज़्यादा हार्ड भी नहीं, बहुत सिंपल है। आपने सिंपल कहने का तो ये नहीं कि मतलब बिना पढ़े होता है, वो आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको ऐसे ऐसे उसमें इंक्लूडिंग चीज़ है जो आपको पता नहीं होगा, नाम सुना हुआ लेकिन आपने किए नहीं होगा, बहुत बहुत चीज़ हो सकता है। तो वो स्टार्ट करने के बाद में बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि अभी क्या विजन मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज लास्ट चैप्टर है जो आज हम ख़त्म कराने वाले हैं। आप लोग बस लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो, और मेरा जो भी सोशल मीडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाके आपको फेसबुक आईडी मिलेगा, इंस्टाग्राम मिलेगा वहाँ से, और मेरा व्हाट्सएप नंबर लेने के लिए आपको फेसबुक मेरा प्रोफाइल में जाके आपको जैसे व्हाट्सएप में जो प्राइवेट मैसेज करना चाहते हो प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं क्या नहीं समझ पाया, कि क्या आपको चैप्टर में पढ़ा दो वो भी आपको लेने के लिए दो चीज़ ऑप्शन है। आप लोग जैसा कहना चाहे कीजिए, कमेंट सेक्शन में आइए या प्राइवेट मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे। तो ये आपको लोग इंट्रोडक्शन चलते सीधा बात करेंगे दोस्तों टॉपिक पर, क्योंकि टॉपिक हमें ख़त्म करना है, आगे भी बहुत पढ़ना है, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। और कंसेप्टली स्मार्ट ट्रिक व्रिक हर चीज़ आपको हर वीडियो में मिल रहा है। तो चलिए हम बात करेंगे एक्सरसाइज आई के पहले कुछ इलस्ट्रेशन दिया है कि नहीं दिया, दिया होगा तो पहले उसे करेंगे, और करते कैसे लॉन्ग में, तो आइए पहले उन्हें कर दे फिर उसके बाद में एक्सरसाइज में चलते हैं। तो आप ये दोस्तों कॉपी पेन और साथ में पेंसिल का टिक करते चलेंगे, बुक सब निकालिए साथ में, मैं भी निकालता हूँ फिर कर दे। ओके चल निकालिए दोस्तों। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ तक कर चुके थे दोस्तों, ये 12th नंबर क्वेश्चन आपको याद आ रहे दोस्तों, ये 12th नंबर क्वेश्चन करा दिए थे यहाँ तक, मीन्स एक्सरसाइज एच के। अब आई से पढ़ने से पहले कुछ आपको क्या दे रखा है, इलस्ट्रेशन दे रखा है, पहले वो करें क्या लिखा है हम पढ़ेंगे, बात करेंगे सोल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। अब क्यूबिक इक्वेशन दे रखा है मीन्स क्यूब वाला दे रखा है, उसको हम सोल्यूशन कैसे करेंगे वो हमें इसमें पढ़ने वाले हैं। क्या लिखा है पढ़े पहले, ऑन ट्रायल बेसिस पुटिंग इप्सोम बलू एफ एक्स स्ट्रेटिफाई द इक्वेशन देन वी गेट अ फैक्टर, दिस इज अ ट्रायल एंड एरर मेथड विद दिस फैक्टर टू फैक्टराइज द एलएचएस एंड ऑर्डर द गेट वैल्यू ऑफ एक्स। हमें इलस्ट्रेशन पर दे रखा था, हम इसे जब अगर दे रखे बुक तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, लॉक करेंगे नहीं, बिल्कुल लॉन्ग करेंगे। जब एक्सरसाइज करें तो क्या करेंगे दोस्तों, शॉर्ट करेंगे। तुम्हारा पहले क्वेश्चन क्या है, सोल्व लिखा है एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, हमारा क्वेश्चन ये दे रखा है, हमें अब इसे क्या करना है सोल्व करना है। ठीक है, पहले हम इलस्ट्रेशन करें तो हम क्या करते हैं दोस्तों, सोल्व एक्सरसाइज करते तो बहुत शॉर्ट में करें। आइए क्वेश्चन लिखते हैं फिर सोल्व करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों बात किसके कर रहे हैं, हम सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन अब हम तो पढ़ लिए लीनियर कैसे सोल्व करते पढ़ लिए, उसके बाद में क्वाड्रेटिक कैसे कैसे सोल्व करते पढ़ लिए, अब आते बारीक इसका क्यूबिक इक्वेशन, इन्हें हम कैसे सोल्व करेंगे। पहले तो हम जो इलस्ट्रेशन दे रखा है उसको लॉन्ग तरीके से करेंगे, जब एक्सरसाइज करें तो उन्हें हम क्या करेंगे शॉर्ट तरीके से करेंगे। तो पहला हमारा इलस्ट्रेशन नंबर वन के क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, देखा लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स, एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स ये है ना इक्वल टू जीरो, हमें यही सोल्व करना दोस्तों, बिल्कुल हम इसी को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों इन्हें क्या करते हैं सोल्व करते हैं, हम इसको
अब क्यों दोस्तों, तो कभी क्या है, तीन आएगा, तीन आपको क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा, तो हमें वो क्या आएगा, बनाए हुए क्या क्वेश्चन सही माना जाएगा। ठीक है, हम तो क्या बोलते हैं, जब क्यूबिक नहीं होता बस क्या होता है, इसमें क्वालिटी वाला होता है, तो हमें क्या करते हैं कि दो आता है कॉमन, तो हमारे क्या होता है बन जाता है क्यूब दे रखा है दोस्तों, हमें तीन आना चाहिए और तीनों में क्या सेम कॉमन आना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा वो वैलिड होगा। देखिए कैसे होगा, एक्स क्यूब दोस्तों खुद सोचना पड़ता है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर हम मीन्स तीन हमें दिए, तीन और क्या थपेंगे हमारा, ये फिर जो भी थप रहे हो कार्ड उठ के, क्या उतना आ रहा है कि नहीं वो भी चेक करना है आपको, आ रहा है कि नहीं आ रहे वो भी चेक करना है। तो ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंक्लूड करें दोस्तों, कोई दिक्कत है इसमें, और दो बातें लगेंगे जो लिखाते हैं कि लेट सॉरी पुटिंग एक्स इक्वल टू वन करते हैं, फिर क्या आता है कि स्टोर करके क्या आता है कि जीरो आ जाएगा, फिर हम क्या पुट कर रखेंगे मीन्स वन रख रहे हैं इक्वल टू माइनस वन, ये सब करने से जरूरत क्या है, सीधा आप ऐसे इंक्लूड करिए और माइनस सेवन एक्स है। अब ये सोचना पड़ेगा आपको, अगर इसमें से हम कॉमन निकाल तक क्या आ रहा है, अगर इसमें से दोस्तों कॉमन निकालेंगे क्या निकालेंगे एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा एक्स माइनस वन आ रहा है, मीन्स एक्स माइनस वन आ रहे हैं, हम यही सोच के हम यहाँ पर जो भी नंबर जो सेवन एक्स भी आएगा और कॉमन निकालेंगे तो हमारा एक्स माइनस वन भी आएगा, मीन्स प्लस सॉरी माइनस एक्स माइनस सिक्स एक्स, ये कितना जाएगा, ये सेवन एक्स हो जा रहा है ना बिल्कुल, और इसमें से एक्स कॉमन निकालेंगे ये दोनों में से एक्स माइनस वन आ जा रहा है बिल्कुल, और ये प्लस सिक्स तो है ही इक्वल टू जीरो। क्या समझ आएगी नहीं है दोस्तों, ये समझ आपको आएगी नहीं, बिल्कुल आसान तरीका है, इसमें कोई ऐसा आपको दे नहीं रखा है जो समझ नहीं आएगा। अब इसमें आप क्या निकाल दिए, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिए, एक्स माइनस वन हो गया, प्लस एक्स कॉमन निकाल दीजिए एक्स माइनस वन हो गया, और इसमें माइनस छः कॉमन निकाल दिए एक्स माइनस वन हो गया। क्या दोस्तों बराबर सही है, बिल्कुल, आपको बस एक एक स्टेप में ध्यान देना है और वो इंक्लूड करते जाना, फिर निकल जाएगा आपको, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं दोस्तों, कुछ दिमाग बस इतना ही है कि जो भी हम जैसे यहाँ पर कट कर देंगे तो ये एक्स की हो जाएगा, यहाँ पर ऐड करेंगे तो सेवन है, सेवन एक्स के हम क्या कर दिए दो में फैक्टराइज कर दिए, मतलब दो सॉरी दो में क्या कर दिए डिवाइड कर दिए। अब हमें क्या इसको लिख सकते, एक तो लिख सकते दोस्तों एक्स माइनस क्या लिख सकते हैं दोस्तों वन, तो एक्स माइनस वन हो गया, और दूसरा क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। क्या ये समझ आ रही कि नहीं आ रहा दोस्तों, ये बताइए समझ आ रही कि नहीं, बिल्कुल समझ आ रहा होगा, ऐसे इसमें कुछ दिया नहीं कि जो आपको समझना है। अब ये तो निकल के, अब इसमें भी तो फैक्टराइज होगा दोस्तों, बिल्कुल होगा, वो भी एक तब तो इक्वेशन ही है, आइए इन्हें भी करते दोस्तों। एक्स माइनस वन तो पहले से दिया गया, अब ये मल्टीप्लाई करने पर सिक्स एक्स स्क्वायर हो रहा है, और हमें क्या आना चाहिए बीच में प्लस वन, तो कितना थ्री टू था सिक्स करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, ये थ्री टू था सिक्स भी हो जाएगा और थ्री टू कहता वन मीन्स एक्स भी आ जाएगा। इतना आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये बताइए इतना आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा ये हमें बताइए, बिल्कुल आ रहा होगा। एक्स माइनस वन हो गया, इसमें सब क्या निकालिए कॉमन कितना जाएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा तो एक्स प्लस थ्री हो जाएगा, और माइनस टू कॉमन आएगा तो एक्स प्लस थ्री होगा इक्वल टू जीरो, मीन्स बन क्या आ रहा है एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू और एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। क्यूबिक में दोस्तों हमारा तीन अगर इक्वेशन वो बन के नहीं आ रहे हैं टर्म, तो हमें वो क्या है बिल्कुल गलत है, हमें तीन टर्म तो चाहिए इक्वेशन में, तभी तो मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आएगा एक्स क्यूब आएगा दोस्तों, क्यूब को क्या होता है तीन होना चाहिए, तीन होने पर क्या होता है हमारा क्यूब माना जाता है, और तीन वैल्यू आपका नहीं आ रहा तो क्या फिर गलत है, तो क्या हो जाएगा ये एक्स इक्वल टू वन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा और ये माइनस थ्री हो जाएगा, ये हमारा क्या निकल के आ रहा है एक्स के वैल्यू निकल के आ रहा है, सोल्यूशन निकल के आ रहा है, सोल्यूशन की एक्स क्या है क्या दोस्तों समझ आ रही कि नहीं आ रही, बिल्कुल कितना सिंपल था, बस थोड़ा एक बार समझाने में टाइम लगता है, तो इसलिए मैं आपको समझा दिया।
आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, इतना हम लोग करना नहीं पड़ेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों। पहले रिलेशन करा ले, इसलिए दो रिलेशन दे रहेगा उसको सही तरीके से करा रहा हूँ। एक्सरसाइज जब आएंगे तो सीधा पूर्ण वैल्यू गेट द आंसर। आइए दोस्तों सेकेंड नंबर क्वेश्चन बताते हैं आपको। आइए दोस्तों कह रहे क्या सेकेंड क्वेश्चन, सोल्व फॉर रियल एक्स, क्या लगा एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब इसको भी सॉल्व करते दोस्तों, इसमें भी क्या है कुछ नहीं है, इसमें भी करते सॉल्व दोस्तों। दोस्तों आइए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर टू के। क्या दिया गया इक्वेशन, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस टू, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। क्या आपका क्वेश्चन सही है? बिल्कुल हमारा क्वेश्चन यही है। मुझे तो लगता है कि जैसे पहले किया था उसी तरह ये भी हो जाएगा क्या? बिल्कुल उसी तरह होगा क्या? वही जो भी लिखे सेम वेरिएबल सेम नंबर, क्या वही चीज आएगा? करते हैं दोस्तों, पहले इसको देखना है कि x प्लस टू आ रहा है, मीन्स अगर हम कॉमन निकालेंगे, अगर टू लिखे तो x प्लस वन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल x प्लस वन। पहले तो इसको क्या करेंगे, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक करने के बाद क्या आ जाएगा, एक्स क्यू आ जाएगा प्लस। अब ये टू है और इसमें से कॉमन निकालते एक्स माइनस वन आ रहा दोस्तों, मीन्स तो हमारा ये टू यहाँ पर कैसे भी आना जरूरी है, तभी हमारा क्या होगा एक्स माइनस वन निकल के आएगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस टू एक्स प्लस एक्स लिख सकते क्या, माइनस टू एक्स नहीं लिख सकते क्योंकि क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है प्लस में है, तो माइनस एक्स प्लस टू एक्स लिख सकते क्या, माइनस एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। क्या समझ में आ रही कि नहीं यार दोस्तों, क्या आपको समझ आ रही कि नहीं यार दोस्तों? बिल्कुल आ रहा है। आइए यहाँ पर प्लस वन आ रहा कि माइनस, और ये भी ध्यान रखना अगर प्लस वन आ रहा तो यहाँ पर प्लस कर देगा और इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे दोस्तों, क्योंकि ये प्लस में दे रखा है ना, इसीलिए हम पहले प्लस लिखेंगे क्योंकि प्लस में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर निकाल एक्स प्लस वन हो जाएगा, माइनस एक्स निकालेंगे तो एक्स प्लस वन इसलिए लिखा दोस्तों, प्लस टू निकालेंगे कॉमन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो। एक कॉमन क्या रहा है एक्स प्लस वन आ जा रहा है और एक आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। हमें दूसरा निकल क्या रहा है, ये इक्वेशन आ रहा है एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। ये हमें इक्वेशन निकल के आ रहा है, एक में निकल के आ जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा, सॉरी अभी माइनस अभी नहीं सॉल्व करते, पहले इन्हें भी क्या करना पड़ेगा फैक्टराइज, तो एक्स प्लस वन लिखते अभी इसको कहते फैक्टराइज दोस्तों, टू आ रहा है और ये वन लाना है, तो क्या बात है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सॉरी माइनस एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू सॉरी एक लाइन ला लीजिए एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस, दोस्तों ये क्या ऐसे हो रहा है कि नहीं, टू आ रहा है इसको हम टू अंडर टू करेंगे तो थ्री आ जाएगा, ये फिर मिल नहीं रहा है। तब अगर ऐसे हो रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, आपको पता है माइनस भी बोलते, पहले इसका वैल्यू निकालते एक्स के लिए एक माइनस वन आ गया, जो भी इसके ये बच रहा है ना ये भी बच रहा है, इन्हें क्या करेंगे माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी में जो भी नहीं आता है क्वेश्चन में इसे क्या आते हैं दोस्तों सोल्व। बिल्कुल माइनस बी करें मतलब माइनस वन मतलब प्लस वन हो जाएगा प्लस माइनस बी बने को वन के स्क्वायर वन माइनस फोर ए बने को वन और टू सी बने को टू टू ए बने को टू
ये जो है 1 + -4 -7 √2, तो ये हमारा जो भी निकल के आ रहा वैल्यू ये क्या है, रियल है भी स्कूल, इज नॉट रियल, ये हमारा क्या होगा, हमारा जो भी ये इक्वेशन -1 देके हमारा क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। क्या समझ आ रही है दोस्तों, क्या आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही दोस्तों, ये पहले बताइए, क्या आ रही है, बिल्कुल आपको समझ आ रहा। अब दोस्तों हम करेंगे तो करेंगे क्या, एक्सरसाइज करेंगे दोस्तों, अब हम करेंगे क्या दोस्तों, एक्सरसाइज। चलिए फिर आते एक्सरसाइज में, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, पहले तो लिखा क्या है, पहले चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ए बी सी और डी, ओके। द सोल्यूशन ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन क्या दे रखा है, x³ + 11x - 6 = 0 इज गिवन बाय द ट्रिपल। अब दोस्तों ये क्वेश्चन दे रखा है, अब हमें इन्हें किस तरीके से करना है, हमें कुछ ही नहीं करना है, बस ऑप्शन से हम पुट करेंगे और रखेंगे, जो भी आंसर आएगा वो करेंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमें लॉन्ग करने की जरूरत नहीं, जो भी आपको सिखा दे और सिखा दे कैसे बनता है, अब हम करेंगे सीधा स्मार्ट तरीका। आइए इन क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर आपको मैं बता रहा हूँ। आए दोस्तों एक्सरसाइज आई, एक्सरसाइज क्या आई है, पहला क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन है क्या, पहला क्वेश्चन इक्वेशन एक देखा है, क्या इक्वेशन है, x³ - 6x² + 11x - 6 = 0। हमें क्या दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है, हमें इन्हें सोल्व करना है। अब सोल्व कैसे करेंगे, अब मैं ऑप्शन से कराऊंगा आपको स्मार्ट तरीके से, पहले ऑप्शन लिख लेते, ऑप्शन क्या कहते दोस्तों, ऑप्शन आइए, पहला ऑप्शन है -1 1, पहला ऑप्शन है -1 1 और -2, ठीक। बी नंबर ऑप्शन 1 2 3 है, 1 2 3। सी ऑप्शन क्या है, -2 2 और 3 है, और डी नंबर में क्या ऑप्शन है, 0 4 -5। ये आपको मैं ऑप्शन लिख दिया, अब कैसे करना है कि ये भी तो सारे में ट्राई करना पड़ेगा, और कैसे फिर होगा, ओ भाई ओ माय गॉड। देखिए मैं जो ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ बस उसका आप फॉलो कीजिएगा, कितना भी क्यूबिक इक्वेशन आएगा वो बस 2 मिनट से पहले पहले सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। आइए हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, पहले जो फर्स्ट नंबर है इसमें कॉमन पहले है कि नहीं, ये -1 है, इस +1 है, ये -2 है, ये 0 है, समझ रहा दोस्तों। मींस अगर हम 0 पुट करेंगे, अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ, अगर 0 से हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, अगर दोस्तों हमारा अगर 0 से सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमारा ये तीन ऑप्शन में 0 नहीं है, तो हमारा ये देखने देखते यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समझ गए। ऐसे तो हमारा पहले फर्स्ट पुट क्या है, -1, अगर -1 से आ रहा है, अगर -1 से हो रहा है, ये तीन ऑप्शन से हमें टाइप कराने के ऊपर वाला ही आंसर हो जाएगा। आइए पहले -1 है जो शुरू में, उसको रख के देखते हैं, अगर -1 रख रहे दोस्तों तो इसमें -1 हो जा रहा है, -1³ - 6 - 1 के पास तो ये 6 हो जाएगा, +11x इट मीन्स 11 × -1 मीन्स 11 × -1 और -6 पहले से, क्या ये 0 इसको लगा 0 है, -1 - 6 - 11 और -6 = 0, क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या आ रहा है, -11 और -12 क्या ये 0 हो रहा है दोस्तों, बिल्कुल नहीं हो रहा दोस्तों, क्या हमारा ये 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा जो भी फर्स्ट ऑप्शन है हमें इससे मैच नहीं खा रहा है, जो भी हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया गया दोस्तों
उनसे मैच हमारा नहीं खा रहा है, मींस माइनस वन जो होगा ना हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये पहले कट कर दीजिए, अब इसमें देखना है ना, अब ये बी नंबर ऑप्शन देखना है वन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वन से तो वन के क्यूब कितना हो गया, वन होगा, माइनस सिक्स हो जाएगा, प्लस एलेवन इंटू वन एलेवन, माइनस सिक्स इजक्ल टू जीरो, ठीक है। और ये एलेवन वन ट्वेल्व हो जाएगा, और माइनस सिक्स वन सिक्स माइनस टू वन टू जीरो, मीन्स जो भी प्लस वन दिया होगा ना वो हमारा क्या है आंसर सही होगा। मीन्स अभी से माइनस तो नहीं, जिसका मतलब वन किसी में नहीं है, मीन्स ये भी आंसर नहीं, ये भी, ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आप तीनों ऑप्शन करके देख सकते हैं, तीनों कर सकते हैं, लेकिन एक से ही पता चलेगा हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। कितना स्मार्ट तो ये समझ आया दोस्तों, टू भी ला के दिखा देते आपको, टू टू रखे दोस्तों, टू के क्यूब आठ हो जाएगा एट, और ये टू के स्क्वायर फोर, फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर, प्लस एलेवन टू जा ट्वेंटी टू, माइनस सिक्स, और ये ट्वेंटी टू एट के अंदर थर्टी, और माइनस ट्वेंटी फोर माइनस सिक्स थर्टी, माइनस थर्टी आ रहा नहीं जीरो, बिल्कुल आ रहा। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी नंबर क्या होगा, करेक्ट है। क्या समझ आएगा दोस्तों, कितने सही तरीके से समझा, बिल्कुल आसान तरीके से आपने समझा रखे हैं, ये आपको मानना पड़ेगा कि मैं कैसे आपको समझा रहा हूँ। स्मार्ट तरीका है दोस्तों, बहुत सिंपल है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऐसे नहीं सिखाऊंगा फिर कैसे सिखाऊंगा, सीधी बात है। माइनस वन पहले के सारे में देख ले, कॉमन माइनस वन की नहीं है, तो ये इसमें ही बस है, तो ये नहीं होता, इसमें आंसर ही खत्म हो गया, क्योंकि तीनों सेटिस्फाई होना जरूरी है ना, एक से तो नहीं होगा ना, ये तीनों होना चाहिए, तो तीनों हो गया इसमें, इसका मतलब हमारा आंसर ये सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, टू में आते हैं, क्वेश्चन नंबर टू में देखिए, ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इसमें भी क्वेश्चन दे रखा है, एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू क्यूबिक मतलब सही सब है, तो आइए इन्हें भी करते हैं उसी तरीका से करेंगे, बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार, बहुत सिंपल दोस्तों, आइए इन्हें भी करके दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर दो क्या दे रखा है क्वेश्चन दोस्तों, एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इजकल टू जीरो देखा है। हमारा ऑप्शन क्या क्या है दोस्तों, पहला ऑप्शन वन है और माइनस वन और टू है, दूसरा ऑप्शन माइनस वन है, वन है और माइनस टू है। देखिए दोस्तों ये वन माइनस वन है और माइनस वन है, मीन्स ये अगर ऑप्शन अगर वैलिड होगा तो दोनों होता रहेगा, लास्ट में जो भी दिया है उनसे नहीं हो सकता। सी में देखिए माइनस वन है और टू है और माइनस टू है, डी ऑप्शन देखिए जी वन है और टू है और टू है। आइए इन्हें सोल्व करते हैं दोस्तों, हमने अभी इसको कैसे सोल्व करेंगे, बहुत स्मार्ट तरीके से आइए करते हैं दोस्तों। पहले क्या रखेंगे दोस्तों, वन रखेंगे, एक बार वन रखेंगे अगर आ रहा है तो ये भी वैलिड होगा और इसको हम काट देंगे, अगर वन, अगर वन से आंसर आ रहा जिसमें तो वन एक भी नहीं है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर यहीं पर कटअप हो जाएगा। वन के बाद कॉमन क्या है, माइनस वन रखे तो माइनस वन बस ये दोनों, अगर माइनस वन से आता ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आइए इन्हें करते हैं, वन पहले पुट करते हैं तो वन हो जाएगा प्लस वन के स्क्वायर ये टू टू माइनस इसके साथ हमें वन माइनस टू इजकल टू जीरो, टू एक थ्री माइनस थ्री इजकल टू जीरो, मीन्स वन से हमारा जीरो आ रहा है दोस्तों, मीन्स वन से जीरो तो ये भी वैलिड है, ये क्या है वैलिड नहीं रहेगा, ये भी आंसर क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि इसमें वन है ही नहीं। अब आएंगे माइनस वन है कि नहीं, अगर माइनस वन हो तो ये हमारा आंसर फिर गलत हो जाएगा, माइनस वन रखे दोस्तों तो माइनस वन का क्यूब माइनस वन प्लस टू, और ये माइनस वन रखे तो प्लस वन हो जाएगा, माइनस टू इजकल टू जीरो, टू एक थ्री हो जाएगा और माइनस वन माइनस टू थ्री माइनस थ्री इजकल टू, मीन्स हमारा माइनस वन से भी आ रहा है तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। अब हम चेक कर रहे हैं कि टू होगा कि माइनस टू होगा, तो पहले क्या करते हैं टू से देखेंगे, टू वाला आ जाएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। टू की क्यूब देखिए एट प्लस फोर टू जा एट माइनस टू माइनस टू इजकल टू जीरो, क्या एट एट सिक्सटी हज़ार माइनस, मीन्स ये हमारा नहीं खा रहा है, मीन्स ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा प्रोडक्ट है, माइनस टू रखेगा तो आपको मिल जाएगा, माइनस टू रखने पर। और एक बात और आपको बता जरूर,
कि जो भी लार्जेस्ट नंबर आया दोस्तों ना, उसमें खास करके अगर निगेटिव वैल्यू आपको रख रहे हैं ना, तो आंसर आपको मिलेगा क्यूबिक इक्वेशन में। कह रहे दोस्तों क्यूबिक में अगर निगेटिव कोई है ना वैल्यू, अगर बड़ा नंबर है तो आप उसको पुट कीजिए, वो आएगा ही। -2 रखिएगा तो आपको वो आ जाएगा। अगले जो क्वेश्चन करा हुआ, अगर माइनस वाला पहले देखा तो पहले माइनस वाला पुट करूँगा, सेम है। अगर प्लस माइनस के साइन अलग है तो पहले माइनस वाला रखेंगे। देखिए -2 रख के देखिए, -8 हो जाएगा, -2 हो गया प्लस, ये हो जाएगा कितना, +8 हो जाएगा, ये -2 रखना है पहले से, तो +2 तो -2 जीरो दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 2 नंबर पहले हो गया जो। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्स दे रखा है, एक्स -4 दे रखा है, एक्स +5 इज आर फैक्टर द लेफ्ट साइड। तो कोई दोस्तों एक्स से इधर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है 0, इसका मतलब क्या है 4, और इसका मतलब क्या होगा -5, जिस पे पुट करेंगे वो हमारा है। ओके आंसर वही हो जाएगा दोस्तों, वही हो जाएगा दोस्तों ना, बिल्कुल वही हो जाएगा। आइए हम इन्हें पुट करके इसको भी देखेंगे। पहले क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या देगा दोस्तों, आपको पहले फैक्टर दे, मीन्स एक्स सीधा दे रखा है, एक्स -4 दे रखा है और एक्स +5 दे रखा है, और हमें इक्वेशन 4 इक्वेशन दे रखा है, कौन से होगा वही आपको क्या करना है, पुट करना है। यही करना है दोस्तों, बिल्कुल यही करना है, या ये ऐसे इतना सिंपल है, आप इसको इस तरीके से भी करते हैं कि तीनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आ जाएगा। देखिए मीन्स सॉल्यूशन अगर कर लेंगे तो एक्स एक्स -4 एक्स +5, अब तीनों मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर जो भी क्वेश्चन है वो हमारा आंसर होगा। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -4x हो जाएगा, और एक्स +5 हो जाएगा, फिर एक से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स एक्स स्क्वायर -4x +5 एक्स स्क्वायर -4x हुआ दोस्तों, बिल्कुल होगा। इक्वल टू एक्स क्यू -4x² +5x² -5 होता 20x, ये बात दोस्तों बिल्कुल। इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं लास्ट में, x³ -5 -x² -20x = 0, जो भी हमारा ये होगा आंसर वही हो जाएगा। ऐसे भी ये जो भी मल्टीप्लाई करें ऐसे भी कर सकते हो तरीका, या आप डायरेक्ट जो भी ऐसे आपको ऑप्शन दे रखा है उसमें पुट कीजिए, एक बार 0 करेंगे इसका मतलब क्या होगा, एक्स इक्वल टू 0, x² हो जाएगा, x² -5, ये तीनों फुट की इक्वेशन में फिर भी आ जाएगा, ये आपको ऑप्शन में से दे रखा है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है कि नहीं दोस्तों, क्या क्या आपको सही लग रहा है दोस्तों, ये +x² हो जाएगा ना, ये क्योंकि साइन किसका है, इसका ज़्यादा है ना, इसलिए +x² एक्स +x² -20x। क्या समझ आ रहा है दोस्तों, क्या आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मैं बताइए बस। हाँ दोस्तों आ रहे, आ रहे कि नहीं आ रहे, चलिए ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के हो गया। क्या ऑप्शन में हमारा ये देखते दोस्तों, देखिए दोस्तों आपका आंसर है कि नहीं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में x³ = 20x = 0, समझ आएगा नहीं दोस्तों, बिल्कुल आ रहा होगा, इसमें कुछ है ही नहीं। फोर्थ नंबर करते बात है दोस्तों, द इक्वेशन क्या रखा है, 3x³ + 5x² = 3x + 5, हैज गॉट 3 रूट्स, हेंस द लेफ्ट हैंड साइड ऑन द इक्वेशन, या ऐसे आपको करके इसको 0 भी कर सकते हैं, बात है कि चाहे इस तरह करके दोनों साइड बराबर कर लीजिए। हमें आपको ऑप्शन ये चीज़ दे रखा है, x-1 बने को उधर मीन्स जो भी x-1 है इसका मतलब x = 1 हुआ, जो भी माइनस रखते एक्स प्लस में जाएगा प्लस हुआ तो माइनस के भी =0 है ना, बिल्कुल। आइए हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन के भी कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आते हैं, आपके इक्वेशन दे रखा है 3x² + 5x² - 3x - 5 = 0, हमें इक्वेशन दे रखा है, आपके ऑप्शन क्या क्या है,
दोस्तों यहाँ पर जो भी एक्स माइनस वन इसका मतलब एक्स इक्वल टू वन होता है, वन हो गया, टू हो गया, और एक दर है माइनस फाइव बाई थ्री मीन्स फाइव बाई थ्री हो जाएगा। ठीक है, उस तरह के नहीं जैसे लिखते हैं हमें सिलेक्ट राइट लिखते हैं। एक हो गया, एक वन दे रखा, एक माइनस वन दे रखा और एक माइनस फाइव बाई थ्री दे रखा। ये फाइव देते हैं माइनस फाइव बाई थ्री। ऑप्शन नंबर सी, सी में क्या क्या है, एक तो वन है और एक माइनस वन है और लास्ट में फाइव बाई थ्री है। डी नंबर ऑप्शन, एक वन है और एक माइनस वन है और एक टू है। ये हमारा चार ऑप्शन क्या है, गिवन है, इनमें से कौन होगा हमारा सेटिस्फाई हम देखते हैं, चेक करते हैं दोस्तों कौन से हुए। आइए दोस्तों पहले वन रखें तो वन क्या चार में, इसमें भी वन है, इसमें भी वन है, इसमें भी वन है, तो इसका मतलब वन हमें रखना ही नहीं है, वन से हम चेक करेंगे ही नहीं। जब सारे में वन है तो होगा ही फिर सेटिस्फाई होगा, तभी तो चार चार में वन दे रखा है। हम बात करेंगे सीधा, अगर टू आ रहा है टू से सेटिस्फाई होगा तो ये दोनों सीधा कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों सीधा कैंसिल हो जाएगा टू से होगा। तो आइए पहले टू रखते हैं, टू के स्क्वायर कितना होगा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व प्लस टू के स्क्वायर ये सॉरी थ्री एक्स स्क्वायर क्यूब है दोस्तों, क्यूब होगा ना बिल्कुल, टू के क्यूब क्या होगा एट, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, क्यूब पर है दोस्तों क्यूब ही नहीं, प्लस टू के स्क्वायर फोर, फोर फाइव जा ट्वेंटी, माइनस थ्री टू जा सिक्स, माइनस फाइव इजक्वल टू जीरो। क्या रहा है ट्वेंटी फोर प्लस फोर्टी फोर माइनस एलेवन, ये आंसर मैच नहीं कर रहा, मतलब जीरो जीरो नहीं आ रहा, मीन्स हमारा एक टू वाला होगा ना वो पहले कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब रखेंगे माइनस वन, माइनस वन रखना ही नहीं, माइनस वन तो क्या है इसमें भी, इसमें भी फाइव बाई थ्री बस रखें, इसमें भी ये भी कॉमन है, इसमें भी ये कॉमन है, हमें रखने की क्या जरूरत है। अब ये माइनस, हाँ तो अभी भी आपको बताया था कि पहले माइनस वाला जो भी लार्जेस्ट नंबर पहले माइनस वाला चेक करो, अगर माइनस वाला तो आंसर होगा, नहीं तो प्लस वाला हो जाएगा। समझ आ रहा है बिल्कुल, माइनस फाइव बाई थ्री रखिए, थ्री एक्स क्यूब मतलब माइनस फाइव बाई थ्री के होल क्यूब प्लस फाइव, एक्स स्क्वायर बने को माइनस फाइव बाई थ्री के स्क्वायर माइनस थ्री इंटू माइनस एक्स बने को माइनस फाइव बाई थ्री प्लस फाइव इजक्वल टू जीरो। समझ आ रहा है कि दोस्तों, बिल्कुल समझ आ रहा होगा, आसान है दोस्तों, कोई आपको इसमें दिक्कत है ही नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से हम समझ रहे हैं। ये आइए माइनस फाइव के क्यूब मतलब माइनस वन ट्वेंटी फाइव बाई थ्री थ्री जा नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन प्लस फाइव इंटू स्क्वायर करेंगे तो ट्वेंटी फाइव बाई सीधा नाइन हो जाएगा, माइनस ये माइनस मान लो तो प्लस हो जाएगा थ्री इंटू फाइव बाई थ्री प्लस फाइव इजक्वल टू जीरो। समझ आ रहा है बिल्कुल, बिल्कुल आ रहा होगा, ये अब थ्री से थ्री कट जाएगा, ये तो नहीं कटेगा, थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन मीन्स माइनस वन ट्वेंटी फाइव बाई नाइन प्लस ये भी वन ट्वेंटी फाइव बाई नाइन हो जाएगा और प्लस फाइव, एक मिनट दोस्तों क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या क्या लिखा है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स सॉरी ये तो माइनस फाइव है दोस्तों, इसमें बस माइनस प्लस का अगर दिक्कत होता आपको फिर आंसर क्या होता है प्लस फाइव हो गया माइनस फाइव इजकल टू जीरो मीन्स ये भी कर जाएगा ये भी कर जीरो इजकल टू जीरो, तो हमारा माइनस फाइव बाई थ्री सेटिस्फाई यानी बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, बी नंबर ऑप्शन क्या हमारा करेक्ट है। समझ आ रहा है दोस्तों, कितना सिंपल तरीका से आपको समझाया, समझ आ रहा है दोस्तों बिल्कुल सिंपल तरीका कितना है, ये पहले जो भी एक साथ में वन था इसे तो हमें उठ करके चेक करना ही नहीं है। अगला आता है टू, तो टू किस में है, ये दोनों में अगर होगा तो ये दोनों अभी रहेगा सही है, ये दोनों काट देंगे, लेकिन ये नहीं था, ये दोनों कट गए, अब बचा है दोनों में माइनस वन, तो कमान इसको क्यों डालेंगे, अब माइनस फाइव और थ्री इसका साइन चेंज है, तो पहले से माइनस वाला निगेटिव वाला करेंगे, ये बता देना आपको बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
अपना दोस्तों फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिफ्थ पर आइए, ये भी क्वेश्चन दे रखा है हमें, ये ऑप्शन से क्या जानना है कि कौन से ऑप्शन सेटिस्फाइस में हो रहा है। आइए इन्हें भी करते, क्या लिखा है, एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस 21 एक्स माइनस 27 इक्वल टू जीरो। आइए दोस्तों इन्हें भी करके आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर कितने हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इक्वेशन क्या रखा है, एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस 21 एक्स माइनस 27 इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन हमारे रखा है, ऑप्शन क्या क्या है दोस्तों, एक पहला ऑप्शन है माइनस 3 माइनस 9 माइनस 1, मतलब टोटली माइनस है, माइनस 3 माइनस 9 माइनस क्या है 1, ठीक। दूसरे बी ऑप्शन 3 माइनस 9 माइनस 1, सी वाला ऑप्शन में क्या है, थ्री नाइन और वन, और डी वाला ऑप्शन माइनस 3 9 और 1। ये हमें चार ऑप्शन दे रखा है, क्या दे रखा है दोस्तों, ये हमें चार ऑप्शन दे रखा है, हमें इन्हें कौन सा आंसर सही है वो पता लगाना है। आइए दोस्तों पहले माइनस थ्री किस किस में है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, फर्स्ट और लास्ट में माइनस थ्री, अगर माइनस थ्री से ये आंसर आ रहा है तो ये दोनों आंसर अभी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आइए माइनस थ्री रखते हैं, तो माइनस थ्री के क्यूब कितना होगा, माइनस 27 प्लस, अब ये माइनस थ्री के स्क्वायर नाइन, नाइन इंटू सेवन नाइन सेवन 63 माइनस 21 इंटू माइनस 3, तो 21 इंटू माइनस 21 इंटू माइनस यानी कि प्लस 63 हो जाएगा, और ये माइनस 27 इक्वल टू जीरो। क्या समझ आ रहा है दोस्तों, क्या आपको समझ आ रहा है कि नहीं, इसमें कुछ क्या माइनस 3 तो रखा, माइनस 27 हो जाएगा, तो ये 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा, ठीक है, यही कह रखा हूँ, माइनस 21 एक्स है तो इसमें 3, इस माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते प्लस हो जाएगा, माइनस 3 रखा था माइनस। अब आइए तो क्या माइनस 27 माइनस 20 कितना 54 ईयर करते, क्या जीरो आ रहे, नहीं आ रहे, ये जीरो नहीं आ रहे, मीन्स हमारा जो भी आंसर ये फर्स्ट और डी वाला दे रहे हैं ये अभी क्या गया, गलत हो गया, क्या हो गया, गलत हो गया। अब थ्री इसमें दोनों में कॉमन है तो हमें इसके तरह रखने की जरूरत नहीं। अब ये पहले क्या है, नाइन और माइनस वन, तो पहले कौन सा रखेंगे दोस्तों, पहले नेगेटिव वाला रखेंगे, पहले नेगेटिव वाला माइनस नाइन इसमें पुट कीजिए, माइनस नाइन क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस नाइन क्यूब होगा दोस्तों नाइन इंटू एटी वन 729 माइनस नाइन की मतलब 729 किस में, माइनस में, प्लस माइनस नाइन के स्क्वायर कितना होगा 81 81 इंटू सेवन 81 इंटू सेवन 567 प्लस में 567 और ये भी माइनस कितना है 9 इंटू 11 तो प्लस में होगा कितना, प्लस में कितना होगा 21 इंटू सेवन वन इंटू नाइन, सॉरी सर दोस्तों सेवन से मल्टीप्लाई कर दोस्तों क्या, इसको चेक करेंगे बार 7 इंटू 81 एस ठीक है, और ये माइनस क्या हो जाएगा 27 इजकल टू जीरो। क्या आपको समझ आ रहा है, बिल्कुल, इन दोनों को ऐड कीजिए 567 प्लस 189 कितना है दोस्तों 756 756 प्लस में आ रहा है, माइनस इन दोनों को ऐड कीजिए और माइनस कर देंगे 729 प्लस कितना है 27
क्या 756 आ रहा है? बिल्कुल माइनस 756, जीरो चलो जीरो आ रहा है, मैं जीरो आ गया, मीन्स हमारा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट, बी नंबर ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। समझ आ रहा कि नहीं? बिल्कुल आपको समझ आ, कितने आसान तरीके से करा आपको, टाइम भी नहीं लगता दोस्तों ऐसे देखो उधर कराने में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन था, क्या हो गया हमारा कंप्लीट। सिक्स नंबर पर आते दोस्तों, द रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इजिकल टू जीरो। यह मैं क्या दे रखा है, एक इक्वेशन ऐसे भी दे रखा है, इसमें क्या करना है, कौन सा सेटिस्फाई होगा वो भी चेक करना है। आइए दोस्तों इन्हें भी चेक करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्या इक्वेशन है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इजिकल टू जीरो। हमारा ऑप्शन क्या क्या है, पहला ऑप्शन माइनस वन है और माइनस वन और वन है, ठीक। बी नंबर ऑप्शन है दो बार वन है और एक बार माइनस वन है। सी ऑप्शन तीनों बार क्या है, निगेटिव वन है। डी नंबर तीनों बार क्या है, पॉजिटिव वन है। तो क्या करें दोस्तों, सारे में वन वन पॉजिटिव नहीं, इसमें पूरा निगेटिव है और ये तीनों में, तो पहले वन रखेंगे, अगर वन से आ रहा तो ये पहले सी वाला ख़त्म ही हो जाएगा, तो वन रख के देखते हैं दोस्तों। वन क्यूब वन प्लस वन माइनस वन माइनस वन इक्वल टू जीरो, मीन्स प्लस वन से दोस्तों ये जीरो आ रहा है, मीन्स ये वाला कटअप हो जाएगा। प्लस वन इसमें है, बिल्कुल है, इसमें भी है। क्या हम माइनस वन से चेक करें, अगर नहीं आएगा माइनस वन से तो हमारा सीधा डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। माइनस वन आके दीजिए दोस्तों, माइनस वन क्योंकि माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब माइनस वन के स्क्वायर, और ये माइनस के प्लस हो जाएगा, माइनस वन इसको क्या होगा जीरो होगा, टू माइनस इक्वल जीरो। क्या आ रहा है हमारा, ये ऑप्शन ये भी मैच हो रहा है दोस्तों, तो हमारा क्या हो गया, ये वाला ऑप्शन सीधा करेक्ट हो गया, सॉरी माइनस वन माइनस वन वन हमारा क्या होगा, ये सब फिट हो गया। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही है। आइए हम करते क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों ये हमारा सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, कंप्लीट। सेवन नंबर रही क्या, द सेटिस्फाइंग वैल्यू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एक्स स्क्वायर जीरो। ये जो भी ऊपर ये वाला क्वेश्चन किया था कहाँ गया दोस्तों, यही किया था ना, थर्ड नंबर क्वेश्चन का यही आंसर आता ना, तो ये वाला आंसर हमें नीचे होगा, जीरो फोर और माइनस फाइव वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन के दो बार रिपीट कर दिया, देख लीजिए सेवन्थ नंबर जीरो कौन सा है, ये रहा, और फोर माइनस फाइव ये वाला होगा आंसर हमारा, डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। इन्हें करने की जरूरत नहीं दोस्तों, बिल्कुल। एट नंबर क्वेश्चन वाले दोस्तों, एट नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, द रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यू माइनस सिक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस फोर इक्वल जीरो, कौन सा आंसर सेटिस्फाई होगा। आइए इन्हें भी करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एट, सेवन तो ऐसा ही हो गया। एट नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है कि इक्वेशन दे रखा है कौन सी, एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस फोर इजकल टू जीरो। हमें ये इक्वेशन एक दे रखा है, इक्वेशन हमें दोस्तों ये दे रखा है, हमें इस पर क्या करना है, कौन सी ऑप्शन सही होगा वो ट्राई करेंगे। आइए ऑप्शन क्या है, फोर वन और माइनस वन, फोर वन और माइनस वन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है ऑप्शन, माइनस फोर कमा माइनस वन और कमा माइनस वन ही है, डी एस सी ऑप्शन, माइनस फोर है और माइनस वन है और वन है, ठीक, बिल्कुल डी ऑप्शन, वन वन फोर। इतना समझ आ रहा कि नहीं आ रहा दोस्तों आपको, बिल्कुल आ रहा होगा, इतना तो समझ आपका आ ही रहा है। अब हम बात करेंगे, ये ऑप्शन रखेंगे और आंसर निकालेंगे। चलिए दोस्तों पहले फोर दे रखा है, ये फोर ऑप्शन किस किस में, बस ए और डी में, अगर आ रहे थे ये दोनों पहले कैंसिल हो जाए, पहले फोर रखते हैं,
फोर के क्यूब 64 जाएगा माइनस 4 के स्क्वायर कितना 60 96 होता है दोस्तों, बिल्कुल 60 मल्टीप्लाई 6 96 96 प्लस 9 4 जा 4 आ करें दोस्तों 36 और माइनस 4 के 4 64 प्लस 36 कितना होगा 100 और माइनस 96 माइनस 4 100 मीन्स हमारा इसका 0 आ रहा है। तो 4 वाला पहले ये तो दोनों ऑप्शन यहीं पर क्या हो जाएगा ख़त्म। अब क्या है कि 1 1 तो दोनों में है, माइनस 1 एक ही में है ना, तो पहले एक माइनस वाला चेक कर लेंगे, अगर माइनस वाला होगा तो फिर ऊपर वाला आंसर आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, माइनस 1 वाला तो ऊपर, नहीं होगा तो फिर नीचे वाला आंसर हो ही जाएगा। चलिए माइनस 1 आके देखिए कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा प्लस माइनस 9 हो जाएगा और माइनस 4, ये सारे अगर माइनस है यार तो आंसर कहाँ से 0 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। हमारा डी नंबर ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। समझ आएगा नहीं आया दोस्तों, बिल्कुल समझ आ रहा होगा। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ दोस्तों, कंप्लीट हो गया। 9th नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये भी एक क्वेश्चन दे रखा है क्या, 4x³ प्लस 8x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3 इज गिवन बाय, क्या होगा हमें पता लगाना है। आइए इन्हें भी करते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम 9 पर पहुंच चुके हैं, मीन्स सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं दोस्तों। इक्वेशन पहले क्या है, 4x³ प्लस 8x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। हमारा ऑप्शन क्या क्या है दोस्तों, पहला ऑप्शन था 4 माइनस 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है माइनस 4 2 1, तीसरा ऑप्शन है 2 माइनस 4 और माइनस 1, डी नॉन ऑफ दिस बोला है। ठीक, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। आइए इन्हें भी हम ट्राई करते हैं। 4 बस इसी में है, ये दोनों में 4 कॉमन नहीं है, मतलब क्या दोनों में माइनस 1 दोस्तों। अगर 4 आ रहा तो हमारा आंसर सीधा यहीं पर हो जाएगा दोस्तों, हाँ हो जाएगा ना, बिल्कुल। आइए 4 करते ट्राई, अगर नहीं होगा फिर क्या होगा, ये दोनों में से कोई होगा, यही बात है दोस्तों, बिल्कुल यही बात है। 4 के क्यूब क्या हो जाएगा, 64 इंटू 4 256 प्लस 4 के स्क्वायर 60 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 128 माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू 0, जीरो क्या, जीरो आएगा तो हो जाएगा 256 प्लस दोस्तों, अगर यही एड हो जाएगा तो ये का जीरो अगर नहीं आएगा ना, बिल्कुल ये जीरो नहीं आएगा। समझ आ रहे कि नहीं आ रहा दोस्तों, समझ आ रहे कि नहीं आ रहे ये बताइए ना दोस्तों, आ रहे कि नहीं आ रहे। अब निचला ऑप्शन ट्राई करते हैं दोस्तों, 4 रखा था माइनस 4 में आ रहे कि नहीं, तो माइनस 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, हाँ हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस ये फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों एक और बात, हमें तो बैल जगह 2x प्लस 3 तो दर्ज कर दो, मतलब x इक्वल टू माइनस 3 बाई 2 एक्स इक्वल टू माइनस 3 बाई 2, इन्हें भी इसको आपको ध्यान रखना है। इसको ध्यान रखते हुए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। इनको ध्यान रखते हुए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको दे रखा था, ये आपको
नहीं देखा पाए थे, ये भी क्वेश्चन आपको देख रहा है। तो ये हमारा आपको एक्स इक्वल टू माइनस 3/2 आपको ये ध्यान आते ही हमारा ऑप्शन नंबर ए फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 10th नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। 9th भी हमारा कंप्लीट हो गया, लास्ट क्वेश्चन। द रेशनल रूट ऑफ द इक्वेशन दे रखा है, आप कौन से आप पुट कर दीजिए, भी हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द रेशनल रूट ऑफ द इक्वेशन कितना है, 2x³ - x² - 4x + 2=0। ये हमारा क्या इक्वेशन दे रखा है, कितना 2x³ - x² - 4x + 2=0। हमारा ऑप्शन क्या क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए नंबर में 1/2 है, बी नंबर में है -1/2 है, सी नंबर में क्या है 2 है, और डी नंबर में क्या है -2 है। ये हमारा क्या है ऑप्शन दे रखा है, कौन सी मैच होगी। आइए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, इन्हें भी करके ख़त्म कर देते हैं। पहले 1/2 ही पहले 2 रख लेते, सिंपल रखते हैं ना, 2 क्यों कितना ना -2 रखते हैं दोस्तों, क्या रखेंगे माइनस वाले पहले रखते हैं, -2 रखते क्या हो जाएगा -8। सॉरी पहले आपको 2-2 ऐसे कराने से पहले जो भी फर्स्ट में दिया था ना पहले उन्हें ट्राई करना चाहिए पहले, तो 1/2 वो ट्राई करते हैं। तो 2 × 1/2 मतलब कि 1/8 -2 के स्क्वायर बने को ऐसे रूम टू स्क्वायर बने को 1/4 -4 × 1/2 + 2 इजीरा देख दे 2 × 4 = 8 1/4 - 1/4 -4 −2 + 2 कट जाएगा 0 आ जाएगा। मीन्स पहले ऑप्शन कट रहा है दोस्तों, हमें नीचे जाने की जरूरत ही नहीं था दोस्तों, बिल्कुल समझ आएगा दोस्तों। क्या आपको समझ आ रहे कि नहीं आ रहे बताइए, बिल्कुल आ रहा दोस्तों। हमारा एक्सरसाइज यहीं पर क्या होता है ख़त्म हो जाता है, 10th तक ही था, उसके बाद में हमारा ये आपको समरी जैसा दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाला दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आना है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो आते हैं कम से कम 12-13 मार्च के आते हैं, वो बहुत कवर कराते हैं आपको लोग, वो लेक्चर्स आपको पूरे के पूरे कंप्लीट देखने हैं, उसमें भी आपको स्मार्टी कलोट्री सब चीज़ कराने वाला हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, और बाकी के वीडियो आप मेरा प्ले लिस्ट जाकर देखिएगा। ये इससे प्रीवियस लेक्चर एक्सरसाइज एंड के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वहाँ पर क्लिक करते ही खुल जाएगा मेरा प्रोफाइल, फिर वहाँ से प्ले लिस्ट जाकर और भी लेक्चर्स आपको पूरे देखना है और कम्प्लीट करना है। तो फिर चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।